बड़ी बात यह है कि ये जो बुलेट्स बाइक हैं, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ 39 पुलिस स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर 34 बाइकें जो है वो चोरी की बरामद की हैं और 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं। ज़्यादातर इसमें 13 जो है वो बुलेट बाइक्स हैं और उसके बाद जो 15 अलग बाइक्स हैं, स्प्लेंडर और पल्सर, और उसके 6 एक्टिवा जो है वो किए गए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में उसमें 7 लोग जो हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस ने ये सारी रिकवरी करी है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, आपको बता दें कि 7 लोग हैं, पंजाब के अलग अलग, कोई मोहाली का है, कोई अलग जगह का है, और इनका जो काम था कि यहाँ से चोरी करने के बाद ट्राई सिटी से पंजाब के कैरे से जाके गाँव में जाकर ये लोग भोले भाले जो लोगों को बेच देते थे, सस्ते दामों में बेच देते थे और उनको NOC आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं उनका एक सरगना था जो अपने आप को पुलिस कन्फर्मर्स, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, आप देख सकते हैं जो आरोपियों को लेकर आ रही है पुलिस, तस्वीरें देख सकते हैं कि आरोपियों को पुलिस यहां पर लेकर आ रही है। इसमें 7 आरोपी हैं जो इनका जो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है, पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है इनको जो लेकर आया जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ से, इनको गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जितने भी इसमें 7 लोग हैं जिनको इनको अरेस्ट किया है और लोगों को, भोले भाले लोगों को जो है ये लोग बेवकूफ बनाकर इनको गाड़ियां बेचते थे और NOC देने के नाम पर इनसे पैसे जो है वो स्टार्टिंग में जितने 20 या 30 हज़ार रुपये लेकर वहां से फरार हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चोरी, क्योंकि पहले ये जो पहले नहीं पकड़े जा चुकी है, पहली बार ये जिनको पकड़ा है पुलिस ने, इन सभी को आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पंजाब के जगह जाके, अलग अलग जगह जाके ये लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। और अभी तक इन्होंने, अगर हम बात करें, कभी तक इन्होंने करीब 70 से 80 जो टू व्हीलर्स हैं उनको चोरी किया। ज़्यादातर इन्होंने बुलेट जो है वो बुलेट बाइकें चोरी करते थे और उसके बाद गांव के एरिया में जो भोले भाले लोग होते हैं उनको ये लोग बेच देते थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक ये पकड़े नहीं गए कि ये लोग बुलेट मोटरसाइकिल्स, नई, बिल्कुल मोस्टली नई बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं और इनको जो है वो गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस ने। तस्वीरें आपके सामने हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। SSP खुद यहां पर आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताया कि इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और कई बड़े खुलासे, ये सभी ड्रग एडिक्ट्स हैं, नशे के आदी हैं और इस तरह की इन चीज़ों में कई दिनों से इन्वॉल्व थे, जिसको लेकर पुलिस का एक बड़ा बयान है कि किस तरह से ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। बुलेट इनके पास एक मास्टर की थी और ये ऑटो लिफ्टिंग के बहुत दिनों से इस तरह की गैंग को जो है ये चला रहे थे। इनका सरगना जो है वो कहता था कि पुलिस के लिंक है, पुलिस इन्फॉर्मर है, जिसको लेकर पुलिस जो है इस तरह से इस वारदात को अंजाम देती थी। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि खुद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए, ये बेसिकली जो ये मोटरसाइकिल थे, ये इनके पास एक कॉमन की बना रखी थी और उसके तहत जो भी सवारी मोटरसाइकिल इनको दिखती थी विदाउट पार्किंग के, वो उसमें चाबी लगा के ले जाते थे जी। बाद में ये जो यहाँ पे गांव वाव के भोले लोग होते हैं उनको 20-30 हज़ार में सस्ते में कर देते थे, बेच देते थे जी। और बोलते थे लगभग कि जब आप NOC करवा लेंगे या जब रजिस्ट्री करा लेंगे तो बाकी पैसे बाद में दे देंगे। बिल्कुल। अब वो सिंपल लोग होते हैं, वो इतना फॉलोअप वगैरह नहीं करते, तो वो 20-30 हज़ार रुपये में इतनी महंगी बाइक बेच के आके निकल जाते थे। बिल्कुल। और ये इनका मॉडल सब ब्रांडेड था। बिल्कुल करते हैं। और इन्होंने अपने जिनसे ड्रग्स खरीदते हैं उन लोगों के भी नाम एड्रेस दिए गए हैं, वी हैव शेडेड टू आवर नेबरिंग। चंडीगढ़ से देखिए, इनकी एक ही मोटरसाइकिल चोरी थी तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट हमें जो सूचना मिली थी यहाँ पर एक बड़ी बेसिकली उसकी प्लानिंग कर रहे थे जी। जी, प्लानिंग थी डकैती की। इससे पहले ये मोटरसाइकिल चोरी में थे, तो इससे पहले कि ये कोई बड़ी इसको अंजाम दे पाते वारदात को, हमने इसको उनको नैप कर लिया।